टोयोटो टोयोटो टाटा टिगोर। अच्छा टाटा शू है, क्या रेट है इसका? हाइब्रिड के, हाइब्रिड के सिंगल सिंगल हाइब्रिड नहीं है। हेलो, फीचर्स बताएं ना उसके क्या है। हाँ बताइए क्या क्या फीचर्स हैं। मेरा गाड़ी इसमें दो चार्जर टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। एसी चार्जर में गाड़ी चार्ज होगी 6 घंटे में, डीसी में 1.5 आते हैं। एक बार चार्ज होने पर गाड़ी चलेगी आपकी 130 किलोमीटर्स। ओके, और इसमें इंजन नहीं है गाड़ी में, तो इसमें मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम, मोटर के थ्रू चलती है और हर व्हील में मोटर लगी हुई है। और इसकी मोटर की लाइफ है आपकी 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर्स ओके। और आपका ये कॉस्ट पड़ेगा 1 रुपये पर किलोमीटर। चार्ज मोटर चार्ज होने में लगता है, बैटरी चार्ज होने में 16 यूनिट। एक बार में 16 यूनिट 1600 रुपये होते हैं। हाँ 16 यूनिट मतलब 16×8 128। ओके, चलेगा 130 किलोमीटर पर किलोमीटर खर्चा है। ये बोनेट खोल के दिखा सकते हैं? जरा दिखा दीजिए, इंटीरियर भी दिखा दीजिए। इंटीरियर पहले बोनेट खोलो। बैटरी इस मोटर, ये मोटर है। ओके, और इसकी मेन बैटरी कहाँ पर लगी हुई है? चार्ज होगी, ये भी दो देखने एक ही है। ये तो नॉर्मल बैटरी ना, जो नॉर्मल कार में लगती है वो वाली है। नीचे लगे हुए अच्छा, ये ब्रेक ऑयल है। ओके, हेडलाइट वगैरह, सस्पेंशंस। अंदर दिखा दीजिए इंटीरियर, देख लेना है। खोलिए ना फिर, इंटीरियर दिखा दो ना जरा। कॉस्ट कितनी बताई इसके? 12 लाख। चालू होगी कार अभी? देख लेता हूँ। ये चार्जिंग इंडिकेटर बता रहा है, ब्लिंक हो रहा है, वो रेड कलर का जो ब्लिंक हो रहा है, ये चार्जिंग इंडिकेटर ओपन किया हुआ है ना, बोनट इसलिए आ रहा है। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी? मैक्सिमम स्पीड कितनी है? मैक्सिमम स्पीड 85। बस 85 सिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और इंटरसिटी के लिए है? हाँ, बड़े शहरों के लिए।
अच्छा ये क्या है? बैटरी चार्ज करने में रिवर्स न्यूट्रल, ये चार चीजें किस चीज का है? एसी चार्जर होगा तो 6 घंटे और डीसी चार्जर होगा 10 घंटे। न्यूट्रल, रिवर्स, फॉरवर्ड और क्या साथ में, वो साइड में क्या है, किसके लिए है? नॉब जो दिया गया है वो गियर बॉक्स की जगह पे ऑटोमेटिक है। इसमें दो मॉडल है, एक सिंपल मोड और एक स्पोर्ट्स मोड। जब आप हाइट पर जाते हो तो स्पोर्ट्स मोड पर कर दीजिए तो ईजी चलेगी हाइट पर, और सिंपल मोड पर आ रहे हो तो स्पीड कितनी है मैक्सिमम इसकी? 85। ये ब्लिंक हो रहा है, वो चार्जिंग का है ना, दिखा रहा है रेड ब्लिंक हो रहा है वो। हाँ ओनली टू ब्रेक है, एक्सीलेटर ब्रेक और एक्सीलेटर। स्टार्ट करके दिखा सकते हो? नहीं नहीं, चलाना नहीं है, खाली चालू करने का। तो कूलिंग वगैरह जो एसी है कैसे काम करते हैं? अच्छा, मैक्सिमम स्पीड कितनी बताई इसकी? 85। और रेंज 130 किलोमीटर पर चार्ज, और 130 किलोमीटर खत्म होने पर फिर नहीं? फास्ट चार्जिंग का कोई ऑप्शन है क्या, जिसमें दूसरे में रहता है ऐसे दो घंटे में? डेढ़ घंटे में डीसी चार्ज, दो चार्जर आते हैं इसमें अलग, एसी में अल्टरनेट करंट और डीसी में डायरेक्ट करंट। हाँ वो तो समझ गया, डीसी चार्जर से लगेगा डेढ़ घंटा और एसी में। नहीं चार्जर तो अलग अलग देते हो आप कि कर तो हम ना इसके पावर बुना रहे हैं, पावर स्टेशन या पेट्रोल पंप होते हैं ना वहाँ लगाएंगे, वहाँ पे हम जाके चार्ज करवाएंगे। तो घर पे चार्ज नहीं हो सकती है? घर पे हो जाएगी, आप सिंपल चार्जर कर सकते हैं। घर पर तो एसी चार्जर से ही होगा, 6 घंटे लगेगा उसमें, 6 घंटे लगे। बाहर करवाना और डीसी चार्जर अलग रहते हैं, उसमें 1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा और फिर उतना ही एवरेज देगी 130। अच्छा तो फिर डीसी चार्जर में डिफरेंस क्या रहेगा? टाइमिंग कम लग रहा है ना, 1.5 घंटे में चार्ज हो रही है। तो हमारे घर में ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं हो सकता? कन्वर्टर एसी आती है, ठीक है, वहाँ पे एसी चार्जर लग जाएगा, बट उसके लिए सॉकेट अलग से बनाना पड़ेगा, घर में भी चार्ज हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए इतनी पावर आनी चाहिए डीसी चार्जर के लिए? आपको पावर ज़्यादा चाहिए जो घर में नहीं आती। डीसी चार्जर 15 किलोवाट का है, एसी चार्जर 3 किलोवाट का है। ओके, उस हिसाब से 3 किलोवाट का तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ जाएगा उसमें, ऐसा होगा? नहीं नहीं नहीं, यूनिट वही लेगा, चूल्हा यूनिट। अच्छा, ये लॉन्च होने वाली है क्या कार? ये गवर्नमेंट के लिए, अभी गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए अभी नया मॉडल आएगा या फिर उसमें कुछ जब डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। हाँ, उसके बाद ही हो सकता है, उसके बाद कंज्यूमर के लिए डाला जाएगा। अभी क्या है, गवर्नमेंट के जो भी प्रीमाइसेस है वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, तो वहीं पे गाड़ी चलेगी। गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस से गवर्नमेंट ऑफिस बस वहाँ चार्जिंग। अच्छा, आप चार्जिंग स्टेशन भी बनाओगे साथ में? विदाउट चार्जिंग स्टेशन चलेगी क्या? अहमदाबाद में चलने वाली है कार? अहमदाबाद में भी चलेगी, बट अभी डीजीबीसीएल और एमजीबीसीएल सूरत, वडोदरा में चलेगी। शुरुआत बड़ौदा से कर रहे हो? बड़ौदा और सूरत, सूरत दो जगह से। अच्छा, गांधीनगर भी चलेगी, गांधीनगर वाले में डिप्लॉय की जाएगी। ओके, और कॉस्ट है 12 लाख? 11 से 12 लाख आफ्टर, यानी नॉर्मल कस्टमर के लिए अभी नहीं है ये? नॉर्मल कस्टमर लेना चाहे तो नहीं ले सकता? नॉर्मल कस्टमर लेना चाहे फिर वो ये कल को कंप्लेन आएगा, मार्केट कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, कभी चार्जिंग है नहीं और गाड़ी खरीद ली कहाँ चार्ज करूँ, बेकार है इसका नेगेटिव। नहीं, एसी में तो चार्ज होता ही है ना, घर में वो बनाना पड़ेगा ना। तो सॉकेट लगाना पड़ेगा, सॉकेट होता है ना उनका, प्लग नहीं है, प्लग लगा दिया, सॉकेट लगाना पड़ेगा। घर पे भी कर दिया, घर पे भी लगा दिया, आपने चार्ज कर लिया, आप कहीं चले गए, ज़्यादा 130 से चलेगा लोकल, कहाँ चार्ज करोगे, कंपनी को गालियाँ दोगे। आप चलो गए अहमदाबाद से बड़ोदरा गए, लौट के नहीं आ पाओगे आप। तो अभी एक बार बन जाए पूरा चार्जिंग पॉइंट बन जाए लाइक पेट्रोल पंप, लॉन्च करेंगे। इससे क्या है, ट्रायल ले लिया इसका, कितने टाइम से ट्रायल चल रहा है इसकी? गाड़ी आ चुकी है दिल्ली में, चल रही है गाड़ी दिल्ली में, चल रही है कितने टाइम से? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, कैसा है रिजल्ट इसका? बेटर। क्या नाम है आपका? सौरभ जैन। और आपका? हाँ, सुविधन गुप्ता। सुविधन, ओके, थैंक यू वेरी मच।